मस्ताने मूवी, एक तरफ जालम बादशाह नादर शाह और दूसरी तरफ सिख कौम दे बहादुर योद्धे, मुकाबला होया, रियल स्टोरी की है। खैर पहले तो आप वीडियो देख लेने फिर करते गलबात। उस तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कैंडी चैनल नू सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन के बटन प्रेस कर दो। वीडियो शुरू कर दें। जदों नादर शाह भारत के उत्ते हमले करता है, लुटमार करता है, बहुत बुरी तरह भारतीयों नूं लताड़दा है, ते बड़े माण नाल भारत नूं लुट के इत्थों निकलदा है ना, करनाल तों लै के लाहौर तक सिंह जिहड़े आ छोटे छोटे जथे बना के आउंदे आ ते उहनूं लुट के लै जांदे आ। नादर शाह पूरे भारत नूं लुट के आ रहा है, लुटेरा है, ते सिंघां ने उस लुटेरे नूं भी लुटिया। करनाल तों लै के लाहौर तक कई थावां ते ते बहुत ज़्यादा नुकसान नादर शाह दा कीता। गुस्से दे विच पागल होया नादर शाह जकरिया खान नूं पुछदा है कि ये कौन लोग ने, मैनू दस इन्हां दा घर बार किथे है, इन्हां दा खुरा खोज मटा देंगा मैं। जकरिया खान जवाब दिंदा है नादर शाह नूं, कहिंदा हजूर इन्हां दा कोई अता पता नहीं, इन्हां दा कोई घर नहीं, कोई टिकाणा नहीं, घोड़ियां दियां काठियां ते ही सौ जांदे है, दरख्तां दे पत्ते ते छिल्लड़ खा के ही गुजारा कर लेंदे है, ते हवा दी तरह आउंदे है ते तूफान दी तरह लंघ जांदे है। नादर शाह कहिंदा है वी इन्हां नूं ताकत कित्थों मिलदी है, तेरे सामने पूरे भारत दे विच कोई खंघ नहीं सकिया, कोई खड़ नहीं सकिया, एक केहो जे लोक है, कौन इन्हां दा गुरु है जिहड़ा इन्हां नूं इन्नी ताकत बख्शदा है कि ये मेरे नाल मत्था लाउंदे है। जकरिया जवाब दिंदा है कि मुर्शद इनका बली पयो है, इनको आबे हयात दियो है। जकरिया कहिंदा है कि इन्हां दा मुर्शद, इन्हां दा गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह होया है, ते इन्हां नूं अजिहा अमृत छका के गया है, ये मरदे मरदे भी अमृत दियां दो घुट्टां पी लैण, एवें ही माड़ चूजे हुंदे आ इह, जदों अमृत छक लैंदे है, मौत नूं भी अखां कढ़दे है। नादर शाह कहिंदा है जकरिए नूं, कहिंदे भी इन्हां नाल मीटिंग फिक्स करो, इन्हां नाल गल करिए। जकरिया कहिंदा है जी इन्हां दा अता पता ही कोई है नहीं, कित्थों मीटिंग फिक्स करिए। कहिंदा हां एक गल हो सकती है, मैं इन्हां नाल थोड़ी मीटिंग नहीं करा सकता। वह कहिंदा आपां कुछ भंड बुला लैंदे आ, वह भंड तुहानूं सिखां दी एक्टिंग करके दिखाणगे हू बहू, यह किवें तैयार हुंदे ने, की करदे ने, किवें अमृत छकदे ने, चकाउंदे ने, तुहानूं सारी जानकारी मिल जाएगी। नादर शाह कहिंदा है वी ठीक है, बुलाओ भंडां नूं। भंडां नूं बुलाया जांदा है ते उहनां नूं कहा जाता है कि तुसीं बादशाह हजूर नादर शाह नूं जिहड़ा है सिखां दी एक्टिंग करके उन्हां दी नकल करके दिखाणी है कि उह किवें रहिंदे आ, की करदे आ, की खांदे आ, उहनां दा सारा कार विहार तुसीं उहनां नूं करके दिखाणा है। हुण भंडां नूं सारा कुछ पता ही हुंदा है, भंड समाज दे विच रहे हुंदे आ, सिखां दे विच वी रहे आ, उहनां नूं सारे कार्ज विहार दा पता सी। उह कहिंदे आ कि ठीक है असीं सारा कुछ करके दिखावांगे, कहिंदे सानूं एक दो चीज़ां दी जरूरत है, उह पूरियां कर दिओ। नादर शाह कहिंदा है वी जो कहोगे सो मिलेगा, तुसीं करके दिखाओ वी उह करदे की है। भंड कहिंदे आ कि इक ते सानूं खुला पंडाल चाहिदा है, तुसी अपना उच्ची थां ते बह जाओ जिथों तुहानूं दिसदा रहे, सानूं इक पंडाल खुला दे दिओ। नादर कहिंदा है वी ठीक है होर दसो। भंड कहिंदे आ वी इक तुहाडे तैयार वर तैयार 10-15 सिपाही सानूं चाहीदे आ, जिहड़े तुहाडे बेस्ट होण, जिन्हां नूं तुसी सब तों वधिया तकड़े सिपाही मानदे हो। नादर कहिंदा है वी दित्ते होर दसो। कहिंदा जी बस ठीक है, सवेर तक इह इंतजाम कर दिओ, आपां सवेरे नाटक शुरू करदे आ। सवेर हो जांदी है, पंडाल लग जांदा है, भंडां दे एक्टिंग करन वास्ते, नकल करन वास्ते इक थां अलग तों कपड़ा बिछा दित्ता जांदा है, उच्ची थां ते आसन ला के, गद्दी ला के नादर शाह बह जांदा है, इक भंड नादर शाह दे नेड़े खड़ जांदा है, तां कि उह दसदा रहे कि पंडाल दे विच इह कर की रहे है। बाकी दे भंड इक पीड़ा साहब तैयार करदे आ, जिवें आपां सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पीड़ा साहब तैयार करदे आ, इह नकल कर रहे है, इक किताब रखदे आ उहदे विच, उहनूं वधिया रेशमी कपड़े नाल ढकदे है। नादर शाह नेड़े खड़े भंड नूं पुछदा है वी इह की करदे है, उह दसदा है कि जी इह सिखां दा धार्मिक ग्रंथ है, जिवें आपणा कुरान शरीफ हुंदा है, कहिंदा इहनूं पढ़दे है, उह इहदे विचों कलमा पढ़दे है। दूजे पासे कुछ भंड लोहे दा इक बड़ा बर्तन लैके आंदे है, उहदे विच पाणी पा लिया जांदा है, फिर उहदे विच कुछ पतासे घोल लैंदे है, फिर उहनूं खंडा फेर के हिलांदे है, घुमांदे है उहदे विच खंडा। नादर फिर पुछदा है नेड़े खड़े भंड नूं वी इह की करदे है हुण, उह दसदा है कि इहनां दे गुरू ने इहनां नूं जिहड़ा आबे हयात दित्ता है, जिहनूं इह अमृत कहिंदे है, उह तैयार कर रहे है। नादर पुछदा है वी मूंह दे विचों की बोली जांदे है, भंड दसदा है नेड़े खड़ा कहिंदा जी इह कलमा पढ़दे है, अपने गुरु दी बाणी गाउंदे है, फिर पंडाल विचले भंड जिहड़े है दूजे भंडां नूं अमृत छकाउण दी एक्टिंग करदे है, उहनां नूं कहिंदे है कि बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, सारी मर्यादा दसदे है, सारा कार्ज उहनां दे सामने करदे है, ते अंत दे विच जिहड़े भंड है उह सिंघ बणे होए है, उह जयकारे लांदे है उच्ची उच्ची। इह देख के जकरिए नूं गुस्सा चढ़ी जांदा है, क्योंकि जकरिया ते पहलां तों ही जाणदा है सारा कुछ, ते अंत दे विच जदों जयकारा लगदा है ना कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आन गुरु की फौज, छतर झुलेगा सीस पर बड़ी करेगी मौज, ਇਹ ਗੱਲ ਜਕਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਭੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 40-45 ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾਏ ਸੀ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੰਡ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਲੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਬਹੂ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੀ ਚੋਟੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੀ ਰੋਟੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ ਤੋ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਖੈਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।